नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा में आज बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा आज एसपी ऑफिस और कोतवाली थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इनका कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी गणगौर पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी को लेकर गणगौर माता का चल समारोह शनिवार 13 तारीख को शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ निकलेगा, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चल समारोह में विवाद की स्थिति बनाते हैं। इनकी मांग है कि गणगौर के चल समारोह में सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। इसी की मांग को लेकर बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा आज कोतवाली थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसी विषय को लेकर बजरंग सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। आज हम लोग हमारे जय बजरंग सेना के जिला अध्यक्ष जी के साथ में आज सिटी कोतवाली में ज्ञापन देने आए हैं, जो कि अभी कल से हमारा नवरात्रा का पर्व चालू हो रहा है और 13 तारीख को माता जी का विसर्जन निकलेगा चल समारोह, जिसमें कुछ पॉइंट है जहां पर प्रशासन थोड़ा भूल जाता है या जो भी कहे, पर वहां पे हमने ये देखा है कि वहां पे वाद विवाद की स्थितियां बनती, वो इसलिए बनती है कि जब चल समारोह निकलता हमारी माता बहनें निकलती तो कुछ शरारती तत्व तो वहां पे गलत कमेंट वगैरह करते हैं। तो हमने अभी प्रशासन से यही निवेदन किया है कि उस पॉइंटों पर आप विशेष करके ध्यान दिया जाए और वह पॉइंट बनाया जाए, जिससे कोई ऐसी घटना आने वाले समय में भी ना घटे। हम ये सहयोग के लिए आए हैं और हमारे साथ में हमारे जिला अध्यक्ष जी कौशल जी व्यास, नगर अध्यक्ष मनीष परदेसी जी, जिला सचिव प्रमोद मौर्य, संगठन मंत्री कमल बंसल है, युवा वाहिनी सदस्य हमारे दीपक जी और गोरक्षा उपाध्यक्ष मालपानी जी, और हमारे युवा वाहिनी जिला संगठन नगर मंत्री भूपेन खले जी हमारे साथ में है, और मैं प्रकाश पांजरे, जय बजरंग सेना प्रदेश अध्यक्ष। ये पर्व कल से चालू है, वैसे तो ये 9 दिन चलता है और ये कल गुड़ी पड़वा से हमारा चालू होता है, और इसका मेन जो चल समारोह निकलेगा वो 13 तारीख शाम को 4 बजे से चालू होगा, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगा। तो उसी चीज को हम कुछ समय से देखते आ रहे हैं, हमने प्रशासन को पहले भी अवगत कराया था पर प्रशासन ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, पर इस बार हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप लोग जरा इसे गंभीरता से ले। तो एसपी साहब से भी हम मिले, उन्होंने भी बिल्कुल आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र रहिए, वो पॉइंट बनेगा। आज हमने एसपी साहब और कोतवाली में टीआई साहब को दिया है ज्ञापन।